गाइस मैं हूं अफशा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रंच। बॉलीवुड में बायोपिक के अलावा अब फिल्म रीमेकिंग का भी ट्रेंड शायद जल्द ही शुरू होने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रस्थानम की, जो कि अब जल्द ही रिलीज होने जा रही है। बता दें कि मेकर्स ने आखिरकार इस फिल्म का एक धमाकेदार मोशन पोस्टर शेयर किया है और इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। और बता दें कि ये फिल्म भी तेलुगु फिल्म प्रस्थानम की हिंदी रीमेक है, जो अब जल्द ही रिलीज होने जा रही है। खुद संजय दत्त ने इस फिल्म के एक नए मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है और साथ में संजय ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा है, शक्ति, लालच, प्यार और ह्यूमन फैलेसीज पर बेस्ड विरासत, हैशटैग प्रस्थानम रिलीजिंग ऑन 20 सितंबर 2019। वहीं इस पोस्टर की बात करें तो बता दें कि इसमें एक शाही कुर्सी, जिसे आम भाषा में सिंहासन कहा जा सकता है, उसके साथ संजय दत्त की इंटेंस वॉइस में एक जबरदस्त डायलॉग सुनाई दे रहा है, जिसमें संजय दत्त कह रहे हैं, हक दोगे तो रामायण बनेगी और नहीं दोगे तो महाभारत। इसके बाद रिवॉल्वर से फायर होता नजर आ रहा है, जो कि इस फिल्म की एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम कर रहा है। इस फिल्म को देव कट्टा ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में संजय दत्त के साथ मनीषा कुरैला, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, अली फजल, अमायरा दस्तूर जैसे सितारे भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो वहीं इस फिल्म के साथ संजय दत्त काफी वक्त बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए।